कहाँ जा रहे हैं भाई हैप्पी भाई? अयोध्या टूर पे जा रहे हैं। कहाँ पे? आज दिखाते सबको दीप उत्सव का। हाँ, दुकाने और दीवलियाँ लगा तो जा रहे दिखाने आप लोगों को कि कैसा माहौल है दीप उत्सव में। माहौल नहीं रहे ना, फोन का कवर, फोन का चार्जर लेने जा रहे हैं। पूरा दोस्तों दीप उत्सव है भाई, लेकिन उसको वो सब कवर ओवर नहीं करते भाई, वो अपना काम नहीं। ये तुम्हारा हाथ इसे खुला क्यों रहता है बे? उसका खम्भे टकरा जाएगा, एक दिन खम्भा टूट जाएगा। गाइस कहते बहुत दिन बाद ये ब्लॉग आ रहा है, क्यों आ रहा है पता नहीं, बस आ रहा है। 11 नवंबर 2023 आज दीप उत्सव है, योगी आदित्यनाथ जी अयोध्या आएंगे। तो गाइस अभी हम जानते कहाँ जा रहे हैं, रुके रहिए आपको बताते। मैं घर से निकला हूँ, पहले हैप्पी के घर पे आया और अविनाश हैप्पी से मिला। जैसे कि मालूम है इन लोग के साथ मैं आया था अयोध्या दिल्ली से, आपको नहीं मालूम होगा बट मैं बता रहा हूँ, दिल्ली से ये अयोध्या इन लोग के साथ आया था। बहुत घूमते घूमते, उसकी अलग ही कहानी है, स्टोरी बताने बैठाऊंगा तो आप मर जाएंगे मतलब कि शौक में चले जाएंगे। अच्छा, अभी फतेहगंज का रास्ता बंद है। ये गाइस ये 3 इडियट के वो नहीं लग रहे हैं आमिर खान ये जो लहरा रहे हो ना, वीडियो बन रहा है। तो ये है स्मार्ट बाजार, पहले भी बाजार हुआ करता था लेकिन अब स्मार्ट बाजार हुआ। सलाम रॉकी भाई। ये देखिए गाइस यहाँ पटाखे मिलते हैं, लाइट एलसी बम बारूद मिलता है यहाँ पे। इतना पटाखा है कि पूरा पाकिस्तान उड़ जाए इससे इससे पूरा पाकिस्तान को उड़ाया जा सकता है, इतना बड़ा बड़ा का। ये डायलॉग सुना होगा ना, इतना इतना बम मारेंगे कि इलाका धुआं धुआं हो जाएगा, ये डायलॉग इन्हीं के ऊपर बिट बैठता है। गाइस चलान कटते कटते बचा है, बहुत बचा, मतलब कि एकदम आप सोच नहीं सकते हैं। पुलिस वाले हम लोग के सामने बंदे को रोके हैं, वो हेलमेट नहीं पहना था, ठीक है, और हम लोग जा रहे थे। देखिए इनका चेहरा देख लीजिए, इनका छपरियों वाला बार है, इनका तो 2000 की जगह 4000 बार कटेगा चलान। गाइस से हाय पुलिस वालों को। अच्छा हाँ गाइस, दीप उत्सव के कारण आज थोड़ा माहौल टाइट है। गाइस दिए देख लीजिए आप, ये देखिएगा इतना भव्य भंडारा लगता है, इतना भयंकर मार्केट लगती है यहाँ पे। ये अयोध्या की है मेन, अयोध्या राम जी यहीं पे आए थे ना, ये चौक है गाइस, ये चौक का घंटा घर है। ये देखिए घंटे घर की घड़ी खराब है, मैं आपको बता दूँ सरकार सो रही है हमारी, हमारी सरकार सो रही है, देख लीजिएगा। बहुत ज़्यादा जाम है गाइस और ये गाड़ी नहीं चला पा रहे हैं। ये देखिए आज ही वो है ना, क्या आज छोटी दिवाली है, सोचिए बड़ी दिवाली को कितनी भीड़ होगी। गाइस देखिए पूरी दुकानें सजी हुई हैं, लपालप सजी हुई है। गाइस यहाँ पे मैंने एक बार बॉल चुराई थी, मैं बहुत छोटा था, मेरी एक बॉल चुरा ली थी मैंने यहाँ से, बचपन से चोर हूँ गाइस, पहले बॉल चुरा था, अब लोगों के दिल चुरा रहा हूँ। वाओ, कुछ बोलना चाहोगे इस पे, कुछ कमेंट पास करोगे इस पे? लौंडो का चुराए, लौंडो चुराए क्या बात है, लौंडियो क्या क्या गंदी 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 लैंग्वेज होगी, चाहे लड़कों को चुराएंगे लड़कियों को चुराए, प्यार लेना बुरी बात है क्या? ले भाई सब्सक्राइब कर रहे ना ब्रो गाइस, मैंने एक लोगों सब्सक्राइब करवा दिया है। मीम्स बना रहा है मेरा, हट जा। अबे भाई जान तुम्हारा कोई मीम वायरल हो गया तो? अरे तुम तो यार मैं कॉलेज जाना बंद कर दूंगा, पूरा आइसोलेट हो जाऊंगा, 2-4 साल तक के लिए कमरे बंद रहेंगे। मुझे अपना मजाक उड़ाना पसंद नहीं है। अरे और मजाक के बदले तुम्हें पैसे मिलेंगे, पैसे ही पैसे होंगे, तू जा बे, तू ही पैसे मिल रहे हैं। भाई साहब तुम तो बहुत तथ्य बोल दिए यार, कुशल की भाषा में तथ्य। अच्छा आप गाइस कुशल को नहीं जानते ना, एक नंबर के चुमकांडी लड़का है कैसा आदमी है भाई, सब म्यूट मारना पड़ेगा यार। ये रामपथ नहीं है वो वाला, अबे वो रामपथ है, ओए नहीं उधर नहीं, उधर नहीं, इधर इधर, बहुत जाम है, बहुत जल्दी पकाओ। सब्सक्राइब शशांक वर्मा यूट्यूब चैनल आए बैगन हैप्पी हेलमेट वाले। और ये पुलिस लाइन है, देखिए बिल्डिंग कैसे बन गई यहाँ पे, और ये जेल है बताइए, पुलिस यहाँ पे चोर एक साइड पुलिस एक साइड चोर। आइए मैं दिखाता हूँ कहाँ पे हम लोग को जाना था, कहाँ पे हम लोग आ गए, यहीं पे जाना था यहीं पे आ गए, सिंह बंधु क्या वो देखिए लिखा होगा, देखिए ये देखिए
यही है गाइज, इनको देखिए, ये हेलमेट लगा के वो सीधे लग रहे हैं ना, इनको दारू पीना है, पार्टी मांग रहे हैं मुझसे। अभी सुबह सुबह नहीं यार, शाम को फोन की बात कर रहे हैं। बात तुम करोगे ऑनलाइन पे कितना, ऑनलाइन में कितने मिलना क्या वो आईफोन? हाँ नहीं नहीं आईफोन नहीं, चार्जर 1800-1600 का मिला कर, यहाँ पे महंगा मिलेगा तो यहाँ से नहीं लेंगे, बाद में ऑनलाइन ही उठा लेंगे। भाई मुझे लगा ये फैज़ अयोध्या की सबसे बड़ी शॉप है मोबाइल की, लेकिन ये घटिया शॉप है। जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं वो ना है यहाँ पे, मैं आपको दुकान दिखा रहा हूँ। भाई ये देखिए सिंह बंदूक की, मैं बता दे रहा हूँ, आप आइए ना, घटिया क्वालिटी है, कुछ है ही नहीं चार्जर का मतलब। हाँ तो 40 रुपये खर्चा करने को तैयार हूँ भाई, मेरा बहुत बड़ा दिल है। आप अबे इन लोग कहते हैं इतना बड़ा दिल लेके घूम रहा हूँ वाला। हाँ टॉयलेट बनवा दे, शौचालय। हाँ शौचालय बनाइए इनको, बाथरूम में टाइल लगी है लगती है तो खोजना पड़ता है जगह जगह। तो गाइस मैं आपको फ्रेंड कैमरे दिल के साथ मैंने 39 रुपये खर्चा करने को तैयार हूँ अंदर, अगर मैं नहीं बताऊँगा क्योंकि वहाँ पे बहुत लोग हैं ना, तो इसलिए मैं अंदर ब्लॉग नहीं बनाऊँगा। कौन कौन सा है अभी रुके रहो तो चीज कम है क्या? 10 रुपये वाला बर्गर है वो, मेयोनीज चाट रहे थे कल। उसके साथ में 2000 रुपए खर्चा करेगा, मुझे कहते हैं उसका दुख ना होता, लेकिन इन लोग के साथ में पेमेंट करने वाले थे 10 रुपए भी खर्चा करने का लगता है। बता रहे थे कि हम लोग मजा लेते, वो मजा लेने वाली बात नहीं थी, कोई अनजान लड़की को उठा के उसका पेमेंट कर दे। तुम बोल रहे थे डेढ़ हम लोग के पास 150 करोड़ रुपए थे भाई, परसों डेढ़, हाँ 1.5 करोड़ रुपए थे, ठीक है, तीन लोगों को मिला के, बहुत 3-4 दिन पहले दिखाओ वो, तो 3-4 दिन में कुछ खर्चा तो हुआ ही, उसके बाद ये 54 रुपये और खर्चा, 154 रुपये खर्चा हो गया गाइस। चीज के चक्कर में 30 रुपये एक्स्ट्रा, 30 रुपये की चीज़ बढ़ी है बताइए, वैसे मेयोनीज चाटते हैं ना यहाँ चीज़ खा रहे हैं, बताओ यही मैं देख रही हूँ इसको दिखाइए। तुम बत्ती बनाए हो उसका देखने के लिए भाई, कहाँ देखे हुए हमें, तुम गलत मतलब मत निकालो तुम डबल मीनिंग कर रहे हो ना गाइस, देखिए अंधा बात है ये, देखिए ये गाइस, ये तुम ये मेरा सब्सक्राइबर को डबल मीनिंग सिखा रहे हो, गंदी आदत कर रहे हो तुम गाइस। ये देखिए गरीबों वाला, देखिए कौन ज्यादा अमीर लग रहा है, हाथ में आईफोन 14 प्लस साथ में इसको ले के ये पूछा जा रहा है, हम लोग को गरीब महसूस कराया जा रहा है। बैठ रहे हैं क्या, बैठ रहे हैं यहाँ पे, बैठ क्यों रहे हैं ये, भाई ठेले वाला अच्छा होता है यार गाइस। ये देखिए मुंह तो साफ कर ले, ये लड़कियों की तरह ना साफ करो भाई, काम एक पैसे का नहीं हुआ है और 154 रुपये घुस गया, हाँ बर्बादी हो गया, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है ये कहीं से वसूल पाऊंगा। वो प्लस 60 वो मेरा पैसा नहीं था, वो हैप्पी का था। अच्छा पूरे 1.5 करोड़ में वो खर्चा हो रहा है ना भाई, यहाँ कोई खड़ी कर दिया है, मेरी कोल्ड ड्रिंक खत्म हो गई है और फेंकने के लिए कहीं डस्टबिन नहीं मिल रही है। अब इसको मैं रास्ते में ना फेंकूँ तो क्या फेंकूँ इसको, लेकिन मैं फेंकूँगा नहीं, मैं फेंकूँगा नहीं इसको, मैं लेके जाऊँ जहाँ डस्टबिन रहेगी वहीं फेंकूँगा। मैं तो एक अच्छा देशभक्त बन सकता हूँ, मतलब कि क्या बन सकता हूँ, मैं देश का नागरिक बन सकता हूँ। तो गाइस देखते हैं कहाँ पे डस्टबिन मिलेगी, हमारा ये लक्ष्य है। जाओ जल्दी जाओ, जाओ जल्दी आओ, आ जाओ आ जाओ, आ जल्दी। अच्छा यूट्यूबर ऐसा करता है, एक एक देश का सच्चा नागरिक ऐसा करना चाहिए, सबको ऐसा करना चाहिए, कहते हैं इसको वायरल कर देना चाहिए, लेकिन आप लोग हैं क्या बताएं गाइस। हाँ हाँ बहुत बढ़िया यार,
गाइज आपसे कहा जाता है गौशाला बना, ये देखिए गाइज रोड पे घूम रही है, घूम रही है मतलब कि लोगों को चोट की बात नहीं, ये देखिए खून निकल रहा है उनके पैर में। अबे यार गाय के पैर में खून निकल रहा है। आ रहे हैं अभी दूसरी जगह, दूसरे शॉप पे जा रहे हैं कि हम लोग को फोन का कवर मिल जाए, बहुत ही बड़ा लक्ष्य अभी है। अपने रास्ते सही चल रहा हूँ, वो गलत है, ये अपने रास्ते में सही चल रहे हैं, दूसरा इनके रास्ते में आ गया तो क्या किया जा सकता है, उड़ा दूंगा मैं सामने से। अपनी भी मनमानी चल रही थी, इसको देना पड़ता है। ये एम्बुलेंस आ रही है गाइस, इसमें हूटर सूटर नहीं लगा। देखिए ऐसे मजेदार व्लॉग और ज्ञान की बातें अगर आपको जाननी है भाई, मजे के साथ भी ज्ञान मिल जाए तो आप मुझे सब्सक्राइब करें और काफी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। देखिए मैं भी बहुत अच्छा इंसान नहीं हूँ, मैं भी बहुत ही गंदा हूँ, घटिया हूँ, और क्या बोलूँ आपको, मेरी कमियां बतानी चाहिए, मुझे भी मेरी कमियां बतानी चाहिए, मैं क्या गलत करता हूँ क्या सही करता हूँ। देखिए मैं हेलमेट नहीं पहना हूँ, ये तो गलत करता हूँ ना मैं, मुझे मालूम है। लेकिन ऐसा है ना, ज्ञान देना बहुत आसान होता है, तो मैं वही आसान काम कर रहा हूँ, ज्ञान दे रहा हूँ। देखिए असली सेलिब्रिटी यही लोग हैं, ठीक है, ये जो छोटे मोटे यूट्यूबर हो जाते हैं, बड़े यूट्यूबर हो जाते हैं, वो सेलिब्रिटीज नहीं है, ठीक है, एक कंटेंट क्रिएटर है, कंटेंट क्रिएट करें अच्छे है, अच्छी बात है। लेकिन हाय भाई आप इनसे करिए, आर्मी वालों से, पुलिस वालों से, क्योंकि ये त्योहारों में घर नहीं जाते, त्योहारों में काम करते हैं हमारे लिए, हमारी सुरक्षा के लिए, तो इससे हाय बाय करिए, ये सेलिब्रिटीज हैं हमारे। बायकॉट कर दूँ क्या गाइस इनको मैं? अबे मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं मजाक मस्ती में बहुत बड़ा यूट्यूबर में बन गया हूँ यार, मैं संभाल नहीं पाऊंगा इतनी ज्यादा सक्सेस को, समझ रहे हैप्पी 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 यार। शॉप मिल गई गाइस, ये देखिए पीछे है, ये यहाँ पे इसी को कहते हैं क्या कसा बड़ा। ये पता नहीं कौन सी वो है, ठोक दो ठोक दो, साड़ी पहनोगे अमरवा गाइस? कहते हैं मैं, मुझे तो कुछ चुराने का मन कर रहा है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा दिवाली के शुभ अवसर पे चुराऊंगी ना चुराऊं, तो नहीं चुराता हूँ गाइस, वरना मैं चोर तो बहुत बड़ा हूँ, लेकिन इस समय मेरा फ़ोन बज रहा है। मैं बताना चाहता हूँ, देखिए मैं कितना रॉ ब्लॉगर हूँ, लोग जो अयोध्या के लोग हैं ना, वो दीप उत्सव दीप उत्सव, दुनिया के हर कोने में लोग दीप उत्सव सर्च कर रहे हैं यूट्यूब पे, मैं भी चाहता दीप उत्सव का ब्लॉग बना के बनाऊंगा, क्योंकि बनाऊंगा व्यूज छाप सकता था, पैसे छाप सकता था, लेकिन नहीं, मुझे लगा नहीं, हमारे मिडिल क्लास फैमिली का जो दिवाली होती है मैं वो दिखाऊंगा, कैसे लोग मार्केट में जाते हैं शॉपिंग करते हैं वो सब दिखाऊंगा, आप इससे रिलेट कर सकते हैं, आप दीप उत्सव थोड़े से रिलेट नहीं कर पाओगे, आप घूम सकते हो दीप उत्सव, आना चाहिए बहुत अच्छी जगह है, दिखाऊंगा अभी दिखाऊंगा, लेकिन ये सबको भी दिखाना चाहिए मार्केट सार्केट, तो सब्सक्राइब करिए, देखिए मिडिल क्लास फैमिली का जीता जाता हूँ एग्जाम्पल, 1.5 करोड़ का 1/3 हिस्सा मालिक है ये, 1.5 करोड़ का 1/3 मालिक हो तुम। फोन आया हुआ है मेरे ख्याल से 100% उम्मीद है महिला मित्र का फोन है, ये लड़ाई हो गई बाबू लड़ दिया महिला मित्र से, गाइस लड़ाई हो गई, ये देखिए मैं कह रहा एक्सप्रेस में, व्लॉग के अंतिम चढ़ाव पे हम हैं, चरणों पे चरण पे हम लोग देवकाली पे आ गए, अभी हैप्पी घर पे जाएंगे, हैप्पी से फिर वहाँ से अपने रूम में चले जाएंगे, ब्लॉग के अंतिम माहौर पे हैं, खत्म हो गया ब्लॉग, देवकाली पे आ गए घर जा रहे हैं, उसके बाद दीप उत्सव का ब्लॉग लगाएगा, ठीक है, आज ही दीप उत्सव लगाएगा, इसे कल आऊंगा। अगर आप चैनल पे नए हो, पुराने हो, जैसे भी हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, अगर नहीं करना होगा तो कहीं करते हैं, कहीं देखते हो बे, मुझे व्यूज भी मत दो, देखो अगर देख रहे हो तो सब्सक्राइब करो, बात खत्म, हाथ दे मोबाइल दे।